हे दोस्तों, वेलकम टू व्हाट फाइव एंड एफएन के क्या क्यों और यदि। मैं कमलेश खोलिया आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रीचार्ज का मर्चेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ इससे होने वाले फायदों के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड बटन के आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि फ्रीचार्ज का मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले मैं अपना फ्रीचार्ज ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने अपना फ्रीचार्ज ओपन कर लिया है। उसके बाद में आपको एक चीज करनी है, फ्रीचार्ज ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर लिया और उसके बाद में जो आपको बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ एक बैंक ऐड कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक बैंक जो है ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो आपको पीछे आ जाना है और उसके बाद में यहाँ पे चौथे नंबर के ऑप्शन पे आप देख रहे होगे रजिस्टर एज अ मर्चेंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए, उसके बाद में आपको रजिस्टर एज अ मर्चेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये बोलेगा आपकी जो है डिटेल जो है बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, वो आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद में रिसीव पेमेंट्स तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो है अपनी डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑल डिटेल जो भी आपसे मांग रहा है वो आपको फिलअप करनी है और बाद में जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी डिटेल पहले फिलअप कर लेता हूँ और बाद में जो है वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप पहले कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप अपनी डिटेल वगैरह भर करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है दो ही स्टेप में आपका फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं जो है कंटिन्यू के बाद का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको अपना मेरा बना हुआ मर्चेंट अकाउंट दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मेरा यकीन कीजिए, आप अपने डिटेल वगैरह सही सही भर दीजिए और उसके बाद में आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको जो है कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपका जो है फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा। फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट बनने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा स्टोर नेम, मर्चेंट कैटेगरी वगैरह देख सकते हो। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, मर्चेंट अकाउंट सेटिंग, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब आपका ये मर्चेंट अकाउंट बन जाए तो आपको बैंक ऐड करना है, यानी कि जिस बैंक में आप पेमेंट चाहते हो वो बैंक आपको ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे मर्चेंट अकाउंट सेटिंग, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक अकाउंट्स, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है अपना बैंक ऐड कर लीजिए जिस बैंक में आप पेमेंट चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड कर लिया है, आप वही बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो कि आपने ऐड किया था, ठीक है। तो वो बैंक आप यहाँ पे वापस से ऐड कर सकते हो ताकि आपको जो है पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाए आपके बैंक के अंदर। और आप अपन जो है वापस बैंक चलते हैं, तो यहाँ पे आप बाकी की डिटेल वगैरह देख ही सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्यूआर कोड की, जिसको स्कैन करके आपके यूजर आपको जो है पे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्यूआर कोड। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे मेरा फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट क्यूआर कोड देख सकते हो। इसको जो है लोग स्कैन करेंगे या फिर मैं स्कैन करवा करके जो है पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपना फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो और उसके बाद में उसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में तो मुझे आप लोगों को यही बताना था कि फ्रीचार्ज का मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं और इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट जो है कैसे बनाया जा सकता है बिल्कुल चंद स्टेप्स में। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आपसे मेरी अगली वीडियो में, सो टिल देन डू व्हाट अ नॉर्मल सेल डज, माय डिफरेंस इन ट्रांसफर दिस नॉलेज टू अनदर सेल। बाय बाय।